Hello everyone, welcome to the session. This is Ashima Shukla and today we are doing editorial analysis from the Indian Express. So, the Indian Express ka editorial ke upar hum thode se ideas discuss karenge jo hamare liye prelims and mains dono ke perspective se important rahenge. And isi tarah ki aur videos ke liye aur analysis ke liye aur further news topics pe analysis ke liye aap anytime learning app download kar sakte hain aur wahan pe course available hai newspaper analysis ka and iske bare mein further information ke liye aap diye hue number pe contact bhi kar sakte. तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस. सो दिस क्लिप इज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस. 13th ऑफ जून का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है ये. द पाथ नॉट टेकन, व्हाट गवर्नमेंट कुड हैव डन डिफरेंटली टू डील विद पैंडेमिक एंड व्हाट इट कैन स्टिल डू. तो ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली COVID-19 से रिलेटेड है. COVID-19 से कैसे रिलेटेड है, इट इज अबाउट कि पहले क्या गलतियां गवर्नमेंट ने करी हैं, क्या स्टेप्स गलत लिए हैं या क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो लेने चाहिए थे पर नहीं लिए गए, एंड अब क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स राइट नाउ. अभी जो गलतियां हो गई वो हो गई, लेकिन आगे की जो सिचुएशन है उसको कैसे संभाला जा सकता है, इन दोनों या दो तीन चीजों को लेकर के ये एडिटोरियल या ये आइडियाज ये गए हैं इसके अंदर. एंड ये पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये आपके बेसिकली मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इंटरव्यू के अंदर यस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस, ऑल्दो प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेशन इस तरह के क्वेश्चन की कम होती है, लेकिन मेंस में गवर्नेंस सेक्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इंटरव्यू सेक्शन के अंदर दे कैन आस्क यू अबाउट योर आइडियाज, योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो आज आइडियाज हम डिस्कस करेंगे ये आपके खुद के व्यू पॉइंट्स बनाने में हेल्पफुल रहेगा. तो एग्जाम रिलेवेंस प्रीलिम्स में थोड़ा सा लेस है कंपैरेटिवली मेंस के अंदर, यस इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इंटरव्यू के अंदर यस इट इज इम्पोर्टेंट. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले न्यूज देखते हैं कि व्हाट आर द करंट सिचुएशंस गोइंग ऑन जिसकी वजह से फर्दर स्टेप्स को लेकर ये आइडिया रखा गया है, या क्यों उन्होंने पिछले स्टेप्स को नलिफाई किया है ऑथर्स ने. सो इवन आफ्टर द हार्श एंड अनफॉरगिविंग लॉकडाउन ऑफ मोर देन 60 डेज, 60 दिन से ज्यादा या 60 दिन से अधिक के कठोर और अस्पष्ट लॉकडाउन के बाद जो इन्फेक्शन का कर्व है, दैट इज द ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्शन, कितने इन्फेक्शन हुए हैं, वो फ्लैट नहीं हो रहा, यानी एक स्टैटिक नहीं आ रहा, इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ऐसा नहीं है डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है फ्लैट हो रहा है, कंटिन्यूअसली द कर्व ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी इन्फेक्शन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. Health infrastructure retains massive gaps as 2 out of 3 districts. Testing facilities and patients, even the national capital are dying because they cannot get beds. 2 में से 3 में से 2 districts. तो 3 में से 2 districts ऐसे हैं जिनके अंदर testing facility proper नहीं है, पेशेंट्स को प्रॉपर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, क्वारंटीन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. एंड इन फैक्ट जो नेशनल कैपिटल यानी न्यू दिल्ली, वहां पर भी सेम सिचुएशन है बिकॉज बेड्स अवेलेबल नहीं है इतने. सो हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर के मामले में इंडिया इज वेरी मच लैगिंग बिहाइंड, स्पेशली इन दी फैसिलिटीज. फैसिलिटीज सेक्टर से अगर देखें तो फैसिलिटीज में इंडिया बहुत पीछे है इन चीजों के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे वो बेड्स फैसिलिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हो, क्वारंटीन फैसिलिटी हो, ये सारी चीजों में इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड ऑन अ मेजर स्केल. तो ये जो न्यूज है ये काफी चल रही है, नेशनल कैपिटल डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है करंटली. सो उसी को लेकर के ये आइडियाज प्रेजेंट किए गए हैं कि कहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट बैकवर्ड रही है या कहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने गलतियां करी हैं. सो पॉलिसी फेलियर कौन कौन से हुआ है. पहली बात, नेशनल लॉकडाउन हो गया बिना नोटिस के या प्रिपरेशन के. ना तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी कि यू नो लॉकडाउन के बाद कैसे सिचुएशन हैंडल होगी, या पोस्ट लॉकडाउन के बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा. लॉकडाउन कर दिया लेकिन उसके बाद क्या, किस तरह से बाकी जो लोग हैं उनको फैसिलिटीज दी जाएंगी, खाने के लिए, राशन के लिए, अगर किसी को मूवमेंट करना है
तो उसके लिए, क्योंकि बिना नोटिस के किया है लॉकडाउन, तो डेफिनेटली बहुत लोग होंगे जिन्हें मूवमेंट करना होगा, जिन्हें जाना होगा, अपने घर जाना होगा या वेयर एवर दे वर्क वहां जाना होगा. सो वट एवर द पर्सपेक्टिव, देर वॉज नो नोटिस. अगर नोटिस नहीं दिया तो फिर प्रिपेयरनेस होनी चाहिए थी कि किसी को मूवमेंट करना है तो उसकी तैयारी हो, लेकिन वो प्रिपरेशन भी नहीं थी. तो ना प्रिपरेशन थी ना ही नोटिस था. सो सडन जो लॉकडाउन हुआ है, इसने काफी सारी चीजें बैकवर्ड कर दी है. ठीक है, फिर कंसल्टेशन विथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, एपिडेमोलॉजिस्ट, महामारी वैज्ञानिकों, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों और सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिकों, इनसे परामर्श नहीं लिया गया, इनसे फीडबैक नहीं लिया गया, इनसे कंसल्टेशन नहीं किया गया, इनके साथ आइडियाज शेयर नहीं हुए कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए इस सिचुएशन में. तो वो चीज नहीं है. साथ ही साथ जो वैश्विक अनुभव रहा है या विश्व में जो अनुभव किया है इस चीज को लेकर, इटली ने, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ कोरिया ने, तो उन सब एक्सपीरियंसेस को ध्यान से नहीं देखा गया, एज दी ऑथर सेज, कि उस तरह से नहीं देखा गया कि हम उनसे लेसन लें और आगे बढ़े. देर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर नॉट एनालाइज, एनालाइज नहीं की गई. पॉलिसी ऑफ एनफोर्सिंग रेडिकल फिजिकल डिस्टेंसिंग वेर अ लार्ज मेजोरिटी लिव इन क्राउडेड टेनमेंट्स विदाउट वाटर एंड सैनिटेशन, कट्टरपंथी भौतिकी दूरी को लागू करने की नीति, जहां एक बड़ी संख्या में पानी और स्वच्छता के बिना भीड़ वाले आवासों में रहते हैं. लोग क्या है यहाँ पे इंडिया के अंदर, क्या स्लम एरिया बहुत है? स्लम एरियाज बहुत हैं. सो स्लम एरियाज की वजह से बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जहां पे पानी की फैसिलिटी नहीं है, रहने की फैसिलिटी नहीं है, क्लीन सैनिटेशन अवेलेबल नहीं, सैनिटेशन नहीं है या क्लीन एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है. तो उन सिचुएशंस में, उन जगहों में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, 6 मीटर की दूरी हो. इट इज नॉट पॉसिबल. जहां जगह ही नहीं है वहां पे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे. तो जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वो चीज इंडिया में इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में देर आर लॉट ऑफ कंजेस्टेड एरियाज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कंजेस्टेड हैं या भीड़ भाड़ वाली हैं, तो वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट करना मुश्किल था. और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रिपेयर होना चाहिए था कि उन लोगों को अगर रिप्लेस भी करते हैं, डिस्प्लेस भी करते हैं, तो किस तरह से किया जाएगा. ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ पे करना चाह रहे थे डिस्टेंसिंग, तो साथ में फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, वो फैसिलिटीज की तैयारी भी नहीं की गई थी. सो एज द ऑथर सेज कि साउथ कोरिया से सीखना चाहिए था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. अगर रैपिड टेस्टिंग करते, जल्दी टेस्टिंग करते, ज्यादा टेस्टिंग करते, तो वो भी शायद बेटर रिजल्ट देता. बट देन अगेन, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, ना हेल्थ वाइज ना एरिया वाइज. तो पॉसिबल स्टेप्स इन पास्ट टेंस, इसका मतलब क्या है ये टॉपिक के अंदर, क्या है पॉसिबल स्टेप्स इन पास्ट टेंस, यानी क्या चीज कर सकते थे, व्हाट कुड हैव बीन डन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी हाउसहोल्ड शुड रिसीव अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ऑफ 7,000 रुपीज, 7,000 तक का कम से कम एनुअल ट्रांसफर होना चाहिए था हर घर के अंदर. एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सपैंड होना चाहिए था या उसका वितरण होना चाहिए था. और इस पब्लिक सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए था, ऑयल भी होने चाहिए थे, पल्सेस भी होने चाहिए थे. सो बेसिकली जितना भी लॉकडाउन करना था, उस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सभी के पास कम से कम 7,000 रुपए जाने चाहिए थे, जिससे कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, अपने आप को कम से कम जिंदा तो रख पाए. बिकॉज एज यू सी कि सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट, हर घर में पॉसिबल नहीं. इवन वेल ऑफ हाउसेस दे आर गोइंग डाउन ऑन फाइनेंशियल, एंड उसके बाद जब लॉकडाउन हटेगा तो उसके बाद भी उन्हें स्टैंड करना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 महीने ही है उनके पास और वो सारी सेविंग्स उसमें लुटा दें, नहीं, लॉकडाउन के बाद भी उन्हें सस्टेन करना है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज. सो द थिंग इज दैट अगर ये ट्रांसफर मिलता तो थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होती कि वो अपने आप को लॉकडाउन में एंड पोस्ट लॉकडाउन में, यानी लॉकडाउन जब हटता है उस टाइम पे भी अपने आप को सस्टेन कर पाए या अपने आप को खड़ा रख पाए. एंड एज द इकोनॉमिस्ट से
जीडीपी के ऊपर कितना इफेक्ट होता है। तो जीडीपी पे एट मैक्स मैक्सिमम 3% ऑफ जीडीपी कंज्यूम होता है या लगता है इसके अंदर। दैट मींस इट वाज क्वाइट पॉसिबल अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा रिस्क लेना चाहती तो। सेकेंड, अरेंज रीपेमेंट ऑफ लोन्स इंस्टॉलमेंट फॉर एमएसएमई अगले 6 महीने के लिए। एमएसएमई के जितने भी लोन हैं उनका रीपेमेंट गवर्नमेंट करे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अब जैसे आत्मनिर्भर अभियान किया है किसके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए है, मेक इन इंडिया के लिए। तो वो जब एमएसएमई सेक्टर खुद को खड़ा ही नहीं रख पाएगा, वो अपने ड्यूज पे ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज ऑल इन अ वेस्ट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक का लोन रीपेमेंट अपनी तरफ से करना चाहिए था, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर एटलीस्ट सस्टेन कर पाए इस लॉकडाउन को, जिससे आगे यानी पोस्ट लॉकडाउन वो अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर पाए। अभी सस्टेन कर पाए यानी जिंदा रख पाए, और बाद में अपने आप को एक्सपैंड कर पाए या खड़ा कर पाए। तो उसके लिए लोन्स, एमएसएमई सेक्टर स्मॉल सेक्टर है तो लोन्स डेफिनेटली आ गए, सारे एमएसएमई सेक्टर मेजरली लोन्स अवेल करते हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, रिस्टोर फुल पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस एंड रिजर्व ऑल सीट्स ऑन अ वीक फॉर ट्रैवल फ्री ट्रैवल बाय माइग्रेंट्स। या तो पहले सबको मूवमेंट करा देना चाहिए था, माइग्रेंट्स को अपने घर तक पहुंचाने का पहले फैसिलिटी देनी चाहिए थी, नहीं तो अब सारी ट्रेन्स ऑपरेशनल करके सीट्स रिजर्वेशन में ही मूव हो, और माइग्रेंट्स के लिए सब स्पेशली फॉर द फर्स्ट वीक सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए रन करें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पहले आएगा वो पहले अवेल करेगा इस तरह की फैसिलिटी के साथ, तो एटलीस्ट वो अपने घर जा पाते। और इस तरह की जो लोगों ने जो माइग्रेंट्स ने किया था, पैदल जा रहे हैं या अपने फैसिलिटेट करके जा रहे हैं, तो इस तरह का ना जा करके फुल्ली ट्रेन अपने ऑपरेशनल होती, ट्रेन्स के थ्रू फैसिलिटेट होते, तो दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे डिजर्व द राइट टू रीच देयर होम्स। सो फुल ट्रेन ऑपरेशन करके सबको पहले अपने घरों तक पहुंचाना, चाहे लॉकडाउन से पहले चाहे लॉकडाउन के बाद। अगर ये किया होता तो वो जो मूवमेंट देखने को मिला हमें, वो चीज नहीं देखने को मिलती। सो अब जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या किया जाए। जो अब सिचुएशन गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी है उसके अंदर क्या स्टेप्स पॉसिबल है। पहली बात, फ्री वाटर टैंकर्स, जो स्लम एरियाज हैं, जो कंजेस्टेड एरिया हैं, वहां पे फ्री वाटर टैंकर अवेलेबल होने चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, यानी कि पूरे दिन में पानी वहां हो, जिससे कि जो एक सोल्यूशन है हैंड वॉश करने के लिए एंड ड्रिंकिंग वाटर वगैरह के लिए, तो इन सब फैसिलिटीज में उनके पास कमी नहीं हो। एटलीस्ट दे हैव इनफ वाटर टू वॉश देयर हैंड्स रेगुलरली, क्योंकि सैनिटेशन वहां पे इतना नहीं है या कंजेस्टेड है, तो क्लीनलीनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो एटलीस्ट हैंड वॉश प्रॉपरली हो पाए, दे कैन टेक प्रॉपर बाथ्स, दे कैन हैव वाटर टू ड्रिंक, ये सब के लिए फ्री वाटर टैंकर स्लम एरियाज में अवेल होने चाहिए। सेकेंड, मैसिवली रैंप अप हेल्पलाइंस मेंटल हेल्थ के लिए। सब लोग घर में बंद हो गए तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ दे आर ऑन अ पीक, दे आर राइजिंग एवरी डे। तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ को टैकल करने के लिए, उन्हें संभालने के लिए हेल्पलाइंस बढ़ानी चाहिए, होनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें बढ़ाना चाहिए, उनकी जो रीच है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे लोगों तक पहुंचे और लोग उस चीज को शेयर करें। एंड ये जो एटलीस्ट वायरस जो प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है, वो तो हम फेस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम एंड डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एटलीस्ट वॉलंटरी एंड डिग्निफाइड प्लेसेस ऑफ सेफ्टी फॉर ऑल एट रिस्क पर्संस, जो भी लोग रिस्क पे हैं राइट नाउ, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो जैनिटर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए एक डिग्निफाइड प्लेस एंड वॉलंटरी प्लेस अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए अलग से रहने की जगह फैसिलिटेट होनी चाहिए, जिससे कि उनकी फैमिली भी सेफ रहे और वो भी अपने आप को सेफ रख पाए। तो अगर उनको सबको एक साथ रखा जा रहा है, सेपरेट होटल बुक कर दिया एंड दे आर लिविंग ओवर देयर, सो उनकी फैमिलीज भी सेफ हैं एंड साथ ही साथ दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व फ्रॉम
एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, बाकी दुनिया में भी उनका जो इन्फेक्शन वो कैच कर लेते हैं बाय एनी मीन्स वो स्प्रेड ना हो. डिप्लॉय ऑल पर्सनल बेड्स एंड इक्विपमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर पब्लिक यूज फ्री ऑफ कॉस्ट. जब तक ये पैंडमिक सिचुएशन चल रही है उस ड्यूरेशन में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब बेड्स को पब्लिक यूज के लिए यानी यू नो गवर्नमेंट के अंडर ले लिया जाए, जिससे कि वो उन्हीं फैसिलिटीज के अंदर अवेल कर पाए या जो लोग हैं वो उन्हीं फैसिलिटीज में अवेल कर पाए जो फैसिलिटीज में वो गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं. ऑर्डिनेंस ऑर्डर दैट नो पेशेंट इज टर्नड अवे, एक ऑर्डर पास होना चाहिए कि कोई भी पेशेंट को मना नहीं कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो. अगर उसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो उसे वापस नहीं भेजा जाए, उसको यू नो डायग्नोस किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए. कन्वर्ट स्टेडियम्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड होटल्स इनटू हॉस्पिटल्स एंड क्वारंटीन बेड्स. जितने भी स्टेडियम हैं यूनिवर्सिटीज हैं दे आर लार्ज एरियाज, होटल्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम बड़ी जगह है, और उनको अगर हॉस्पिटल एंड क्वारंटीन बेड्स में यू नो ट्रांसफर कर देते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल और हमारे लिए जगह भी पड़ेगी. Guarantee that every person, regardless of class, would be entitled to the same quality of quarantine facilities. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको better quarantine facility दे रहे हैं, VIP facility दे रहे हैं, नहीं. Everyone gets the same quarantine facility. Incentivize the public and private corporations to exponentially expand production of PPE, testing kits, ventilators. ये जो requirement है, minimum requirement है कि PPE, personal protection equipment, PPE stands for personal protection equipment, testing kits, ventilators, ये सब इनका production बढ़ाया जाए, चाहे वो public sector के through बढ़ रहा है, public companies बढ़ा रही हैं चाहे private companies बढ़ा रही हैं, वो produce कर रही हैं, लेकिन वो बढ़े, उनकी quantity बढ़ाई जाए, जिससे कि you know avail कर पाएं लोगों के पास ये चीज़ available हो, and increase public spending by the country, India अपनी जो expenditure है वो बढ़ाए. पब्लिक स्पेंडिंग क्यों बढ़ानी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि ये बढ़ाई जाए, जिससे कि ये जो फैसिलिटीज हम कह रहे हैं हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, ये पूरा पिछले स्लाइड में जो थी, ये फैसिलिटीज के लिए फाइनेंस भी मैनेज करना पड़ेगा. तो ये पैसा आएगा कहाँ से? करंटली पब्लिक सर्विस में इंडिया कितना देता है? 1% ऑफ GDP. बाकी कंट्रीज कितनी देती हैं? 10-20%. डिफरेंस. तो इंडिया को ये 1% से बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए पब्लिक सर्विस के अंदर, जिससे कि जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है एटलीस्ट वो मिनिमल फॉर्म में अवेलेबल हो. तो इंडिया कितनी कर रहा है? लेस देन 1%. करनी कितनी चाहिए? एटलीस्ट 10%. तो इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव ऑन दैट. अगर ये थोड़ा सा GDP से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो यू नो फाइनेंसेस हमारे मैनेज हो जाएंगे, एंड ये जो हम फैसिलिटीज बोल रहे हैं ये सारी फैसिलिटीज अवेल की जा सकती है. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट कि एक विल होनी चाहिए, जो पॉलिटिशियंस है उनका मन होना चाहिए करने का, दे विल डू इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर्स, एंड ये सारे पॉइंटर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज इंटरव्यू में दीज कम एज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. सो विद दिस आई शैल लीव यू. Thank you so much for being with us and joining us. Until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.